अगर सीधी सीधी जुबान में कहा जाए तो आरएसएस ने इंफोसिस को देशद्रोही मान लिया है। पिछले दिनों 5 जनी पत्रिका के एक लेख में इंफोसिस को देशद्रोही बताया गया था। इस लेख में कहा गया था कि आईटी कंपनी नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों की मदद करती है। साथ ही ये भी कहा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस कंपनी ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन हंगामा होने पर उस वक्त आरएसएस ने इस लेख से किनारा कशी कर ली थी और कहा था कि 5 जन्य संघ का मुखपत्र नहीं है। लेकिन अब आरएसएस के शीर्ष नेता मनमोहन वैद्य खुलकर 5 जन्य के समर्थन में उतर आए। उन्होंने 5 जन्य को धर्म युद्ध का अग्रदूत बताया। उन्होंने 5 जन्य की तारीफ करते हुए कहा कि ये सिद्धांतों का युद्ध लड़ रही है। मनमोहन वैद्य 5 जन्य के नए कार्यालय के उद्घाटन पहुंचे थे। यहां बीजेपी के पूर्व महासचिव राम माधव समेत संघ के कई और बड़े नेता मौजूद थे। इससे पहले संघ के प्रवक्ता सुनील अम्बेडकर के बयान जारी करके इंफोसिस की तारीफ की थी और कहा था कि 5 जन्य संघ का मुखपत्र नहीं है। लेकिन मनमोहन वैद्य ने कहा कि ये धर्म युद्ध है और जो धर्म के विरुद्ध है ऐसे श्रेष्ठ लोगों पर तीर चलाने ही होंगे। दरअसल लेख में मोदी सरकार के विरोध के लिए पहचानी जाने वाली न्यूज वेबसाइट द वॉयर, द स्क्रॉल और फेक न्यूज की पहचान करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज को फंड दिए जाने पर खुलकर नाराजगी जाहिर की गई थी। अब साफ हो गया है कि संघ इंफोसिस से इसी बात को लेकर खफा है। जाहिर संघ को असहमति और विरोध की स्वर कतई बर्दाश्त नहीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस भी असहमति और विरोध को लोकतंत्र की पहचान बताता रहा है। बावजूद इसके बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाए हुए है, यानी कमजोर विपक्ष और गूंगा विरोधी आरएसएस और बीजेपी को पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।